Good morning, friends. Welcome to Vocab with Nikunj. I hope all of you are wearing your headphones. जो लोग पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर ले अपने वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट के लिए. ये है आज का एडिटोरियल. आज का एडिटोरियल श्रीलंका की क्राइसिस पे है वंस अगेन एंड विल सी कितने सारे वर्ड्स हैं, क्या क्या मीनिंग्स हैं, कितने कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स हैं. ठीक है, आइए शुरू करते हैं. फर्स्ट वर्ड इज डिसप्रूव. डिसप्रूव का क्या मतलब होता है? प्रूव बिल्कुल फॉल्स, गलत सिद्ध कर देना. ठीक है, तो कहा जा रहा है कि रणिल विक्रम सिंह है मस्ट डिसप्रूव हिज डिट्रैक्टर्स विद क्विक मेजर्स. कुछ ऐसे मेजर्स थे कि अपने डिट्रैक्टर्स को वो गलत से दिखाते. डिट्रैक्टर क्या होता है? डिट्रैक्टर का मतलब होता है वन हु डिस्पैरेजेस और बेलिटल्स द वर्थ ऑफ समथिंग. कुछ ऐसे लोग जो किसी चीज के महत्व को कम करके समझे या बिल्कुल कुछ भी ना समझे. ठीक है, तो जो लोग उनको कम करके समझ रहे हैं, कम करके आंक रहे हैं, उनको वो गलत सिद्ध करते हैं. ठीक है, कैसे सिद्ध करेंगे? गलत विद क्विक मेजर्स फॉर इकोनॉमिक रिकवरी. इकोनॉमिक रिकवरी के लिए कुछ जल्दी जल्दी कुछ अच्छे कदम उठा के. ठीक है, तो एडेज, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट. द एडेज एवरी क्राइसिस कंटेन्स द सीड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी कुड नॉट हैव बीन ट्रूअर. आइए इसका मतलब समझते हैं. एडेज का मतलब होता है वेल नोन फ्रेज. ओके, जितने कुछ सत्य चीज सही बात छुपी हो. हिंदी में कहावत या लोकोक्ति कहते हैं. और किस एडेज की बात कर रहे हैं? एवरी क्राइसिस कंटेन्स द सीड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी. किसी भी क्राइसिस में एक कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी छिपी रहती है. ठीक है, इस एड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं. कैसे? ये कह रहे कुड नॉट हैव बीन ट्रूअर. इससे ज्यादा प्रमाणित नहीं हो सकता, मतलब प्रमाणित हो चुका है. किसके लिए? श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर रणिल विक्रमसिंघे के लिए. ठीक है, आइए देखते हैं कैसे. व्हाट हैपेंड इज दैट द सेवियर इकोनॉमिक क्राइसिस विच सेट ऑफ इनडेफिनिट प्रोटेस्ट. जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी, काफी ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई थी, उसने क्या किया? उसने सेट ऑफ किया. सेट ऑफ एक फ्रेज फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रोवोक और स्टिर अप, उकसाना. ठीक है, या इनिशिएट करना. ठीक है, इनडेफिनिट प्रोटेस्ट्स, अनंत काल तक चलने वाले प्रोटेस्ट को इनिशिएट किया. किसके अगेंस्ट? प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्सा एंड हिज ब्रदर महिंदा राजपक्सा के अगेंस्ट. ठीक है, और इस इकोनॉमिक क्राइसिस ने सेट ऑफ करने के बाद क्या किया? इसने पिचफॉक किया. पिचफॉक क्या होता है? पिचफॉक मतलब होता है जैसे कि जो काटा हम जैसे सैलेड खाते हैं हम लोग, उससे कुछ उठा के किसी को कुछ रखना, या फिर जो यहाँ कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग आ रही है वो थ्रस्ट समवन अनविलिंगली इनटू अ पोजीशन, किसी को किसी पोजीशन पे पहुंचा देना. ठीक है, इस इकोनॉमिक क्राइसिस ने ये तो किया ही, सेट ऑफ तो किया ही, प्रोटेस्ट और साथ साथ पिचफॉक भी कर दिया मिस्टर विक्रम सिंघे को टू एन ऑफिस दैट ही हैड नो चांस ऑफ ऑक्यूपाइंग अंटिल लास्ट वीक. एक ऐसे ऑफिस में पुश कर दिया जहां पे उनका कोई चांस नहीं था कि लास्ट वीक उस ऑफिस में जा भी सकते हैं. गिवन दैट टर्मोइल श्रीलंका नीडेड अ गवर्नमेंट. जैसा डिस्टर्बेंस हम देख रहे हैं श्रीलंका में, टर्मोइल का मतलब होता है डिस्टर्बेंस यूजुअली इन प्रोटेस्ट. जो आंदोलन वगैरह चलता है उससे जो डिस्टर्बेंस होता है उसके बारे में बात हो रही है कि इस टर्मोइल के बाद श्रीलंका को एक गवर्नमेंट चाहिए था जो कि स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक रिकवरी के लिए काम करे. ठीक है, ये था विद महिंदा राजपक्सा रिजाइनिंग इन द फेस ऑफ डिटरमाइंड प्रोटेस्ट. महिंदा राजपक्सा के रिजाइन डिटरमाइंड प्रोटेस्ट के कॉन्फ्रंट होने के बाद रिजाइन करने पे, तो इन द फेस ऑफ की दो मीनिंग होती है. एक तो है ये व्हेन कॉन्फ्रंटेड विद, सामना होने पर, और दूसरी होती है डिस्पाइट. यहाँ डिस्पाइट नहीं लग रही है लेकिन ये लग रही है, इसलिए मैं कहता हूँ कि कॉन्टेक्चुअल सेंस पे ध्यान देना चाहिए. इन द फेस ऑफ कॉन्टेक्चुअल सेंस यहाँ पे व्हेन कॉन्फ्रंटेड विद है. ठीक है, तो डिटरमाइंड प्रोटेस्ट से सामना होने पर महिंदा राजपक्सा ने रिजाइन कर दिया. ठीक है, and stuff like that. उसके बाद much of the UNP support base has also gone with Sachit Premadasa, his erstwhile party colleague. UNP का जो support base है वो ज्यादा support base वो चला गया है Sachit Premadasa के साथ, जो उनके erstwhile का मतलब होता है former. ठीक है, पहले बार पहले के colleague थे. ठीक है, next word is phrasal verb brush aside. मिस्टर विक्रम सिंघे ब्रश असाइड अ क्वेश्चन ऑन वेदर ही हैज द मोरल ऑथोरिटी टू होल्ड हिज ऑफिस. मिस्टर विक्रम सिंघे ब्रश असाइड का मतलब होता है बार फॉर अटेंशन और कंसंट्रेशन, ध्यान न देना. ठीक है, तो उन्होंने जो क्वेश्चंस आए कि
वेदर ही है कि क्या नैतिकता के बेसिस पे उन्हें ऑफिस पे रहना चाहिए, उन्होंने उसे किनारे कर दिया, ध्यान नहीं दिया, ये कहते हुए कंटेंडिंग, मतलब ये कंटेंडिंग हमारा नेक्लर वर्ड है, मतलब एसर्ट ही डिक्लेयर, ये डिक्लेयर करते हुए, ये कहते हुए कि इनकी सिचुएशन जो है इट इज नो डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ विंस्टन चर्चिल बिकमिंग पीएम, कैसे विद जस्ट 4 मेंबर्स सपोर्टिंग हिम, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि इनकी सिचुएशन डिफरेंट नहीं है। अच्छा, विंस्टन चर्चिल क्यों बने थे पीएम और 4 मेंबर के साथ? टू स्टाव ऑफ अ क्राइसिस। स्टाव ऑफ हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ, मतलब कि किसी चीज को होने से प्रिवेंट करना। तो क्राइसिस को प्रिवेंट करने के लिए केवल 4 मेंबर्स के सपोर्ट से वो पीएम बन गए थे विंस्टन चर्चिल। इसका एग्जांपल ये मिस्टर विक्रम सिंघे दे रहे हैं, ठीक है। There are many questions on the political morality of his assuming of his agent's justification for popular resentment against him. कि उनकी पॉलिटिकल मॉरिटी, मतलब उनके ऑफिस एज्यूम करने की पॉलिटिकल मॉरिटी पे कई सारे क्वेश्चंस हैं नैतिकता पे कि कैसे उन्होंने ऑफिस एज्यूम कर दिया। सम जस्टिफिकेशन, कुछ तो जस्टिफिकेशन है जो गुस्सा लोगों में है। रिसेंटमेंट का मतलब होता है फीलिंग ऑफ डीप एंड बिटर एंगर एंड इलविल, गुस्सा नाराजगी जो लोगों में, उसके कुछ तो जस्टिफिकेशन है अगेंस्ट हिम फॉर रीजिंग द प्रेशर ऑफ द प्रेसिडेंट टू रिजाइन। हाउएवर द नीड टू हैव अ वायबल अरेंजमेंट, वायबल का यह मतलब होता है समथिंग विच इज प्रैक्टिकल, समथिंग दैट कैन बी डन, ठीक है। तो ऐसा कोई अरेंजमेंट हो जाए जिससे कि इकोनॉमिक क्राइसिस थोड़ी ठीक हो जाए, ये चीज काफी अर्जेंट है, ठीक है, समझ में आ गया। ही हैज स्पोकन अबाउट पुटिंग टुगेदर एन इंटरनेशनल कंसोर्टियम टू एंश्योर फाइनेंशियल असिस्टेंस। वो उन्होंने बात की है कि एक ऐसा इंटरनेशनल कंसोर्टियम बनाएंगे। कंसोर्टियम क्या होता है? कंसोर्टियम होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और कंपनीज फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। तो ये होता है कंसोर्टियम टू एंश्योर फाइनेंशियल, जिससे कि फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाए श्रीलंका को, ठीक है। या फॉर द शॉर्टेज स्ट्रिकन कंट्री। अब स्ट्रिकन एक एडजेक्टिव है और जब स्ट्रिकन को किसी शब्द के साथ कंबाइन करते हैं, पैनिक स्ट्रिकन, शॉर्टेज स्ट्रिकन, ठीक है, तो उसका मतलब हो जाता है अफेक्टेड बाय समथिंग ओवरवेलमिंग, कुछ ऐसा इतना ज्यादा शॉर्टेज है कि उसने ओवरवेलम कर दिया है, ठीक है, उससे अफेक्ट होने को स्ट्रिकन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंट्री जो कि अफेक्टेड है शॉर्टेज से, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। देयर इज टॉक ऑफ स्पीडिंग ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इवन टू द पॉइंट ऑफ एबोलिशिंग द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को स्पीड अप करने की बातें हो रही हैं और इस कदर तक बातें हो रही है इवन टू द पॉइंट ऑफ कि एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी को हटाने की बात हो रही है। डू अवे विथ होता है बिना किसी चीज के काम चलाना या हटा देना, ठीक है। तो एबोलिश का मतलब डू अवे विथ होता है। Yet such speculation हमारा अगला वर्ड है, इसका मतलब होता है कि something which is not confirmed, something which is you know just going on in the this market, या चीजें हो रही हैं, speculate हो रही हैं, जो confirm नहीं है, something which is a message expressing an opinion based on incomplete evidence, तो उनको evidence नहीं है, confirmation नहीं है, ठीक है। Yes, such speculation about far-reaching changes does not inspire confidence. ठीक है, इतनी दूर तक changes जो होंगी, होने वाली हैं, वो confidence inspire नहीं करती हैं, उनके बारे में जो speculation हो रही है। As many such opportunities in the past had been squandered. क्योंकि क्यों confidence inspire नहीं करती है? क्योंकि पहले भी ऐसी बहुत सारी बातें हुई थी, ठीक है, जिनको waste कर दिया गया, use नहीं किया गया, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल, ये थे आज के वर्ड्स, मीनिंग फ्रेजेस और उनके मीनिंग्स। कैसा लगा आपको, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गो अहेड एंड लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।